इस वाली मेहंदी सेट की क्या प्राइस होगी? हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है, वेलवेट का बहुत अफोर्डेबल रेंज में ये फ्रॉक रहेगी। इसकी प्राइस 13K है एंड ये ऑनलाइन भी करते हैं। ये भी बहुत बहुत खूबसूरत है। हेलो कुड़ियो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मुझे करनी है शॉपिंग शादी के लिए, क्योंकि मेरे देवर की शादी है एंड मैं शॉपिंग इस दफ़ा सारी पिंडी से करूँगी, क्योंकि मैं आई हूँ अपने मेके एंड पिंडी में राबी सेंटर आशियाना सेंटर से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं है। गुड न्यूज़ इज दिस कि जितनी भी यहाँ पे मैंने शॉप शेयर की है मोस्टली ऑनलाइन भी करती हैं, तो साथ के साथ मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह शेयर करती रहूँगी। तो आज मैं आपको करवाने वाली अपने साथ एक पिंडी बाजार, यहाँ पे देखेंगे सारी जबरदस्ती चीजें शादी की वैरायटी। एंड गाइस, आई एम श्योर कि ये वीडियो एंड इस वीडियो में जितनी भी वैरायटी आपके साथ शेयर करूंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। उस वीडियो को लेकर जितनी भी इसमें चीजें हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। कुछ शॉप्स को भी विज़िट करेंगे क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी है, कुछ ऑर्डर लेने वाली शॉप्स भी जाएंगे, कुछ रेडी टू वेयर ऑलरेडी वहाँ वाली शॉप्स भी जाएंगे। तो चलो जल्दी से वैरायटी देखना स्टार्ट करते हैं एंड आप करो इन्जॉय इस वीडियो को आज मेरे साथ। अच्छा, ये वाली शॉप की मैंने आपके साथ जो कॉन्टैक्ट शेयर किए, ये यूट्यूब पे भी इंस्टा पे भी आप डिटेल से जाके चेक कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। एंड यहाँ पे प्राइस रेंज जितनी भी स्टार्ट होती है मैंने नीचे मेंशन कर दी। नेक्स्ट मैंने ये वाली शॉप विजिट की थी, यहाँ पे भी मुझे सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये वाली जो आप सामने रेड वाली देख रहे हो, इसकी 25K प्राइस थी। ये आप ऑर्डर पर भी इसमें कस्टमाइजेशन वगैरह करवा सकते हो। एंड यहाँ पर प्राइसेस इसी रेंज से स्टार्ट होती है, जो लाइट पिस्ताचू कलर में, इसकी प्राइस भी 25K में थी। एंड यहाँ पे बार्गेनिंग हो सकती है, वो तो भाई करवानी होती है हम औरतों ने। एंड ये वाली भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी, बहुत प्यारे प्यारे पीसेस थे, लेकिन मैं थोड़ा सा सिंपल में जाना चाह रही थी कि ज़रा ऐसी लुक ना हो कि मैं ही दुल्हन लगूँ, तो थोड़ा सा सिंपल में चाह रही थी। खैर, मुझे ये ओपन स्टाइल गाउन एंड फ्रॉक्स वगैरह बहुत पसंद आती, ये वाली भी अच्छी लगती। खैर, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया, मैंने यहाँ से शॉपिंग नहीं की। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या खरीदा, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, बस आगे जाके मैं दिखाऊँगी कि मैंने क्या इनमें फाइनल किया था। खैर, ये वाली ऑप्शन भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, सभी ऑप्शन अच्छी थी। ये वाला जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, ये जैसे महावजाहत के जितने भी आर्टिकल थे उसका ड्यूप लग रहा था, ये वाला भी बहुत खूबसूरत था। ये नेक्स्ट शॉप मैंने शेयर की है, इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये यूट्यूब चैनल है इनका प्रॉपर, आप वहाँ जाके पूरी डिटेल्स इनकी वैरायटी चेक कर सकते हो, घर बैठे आराम से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। कुछ फाइनल होता है तो आप जाके शॉप पे विजिट कर लो एंड और मज़ीद वैरायटी देख लो और डिटेल से देख लो। काम सभी का बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये वेलवेट वाली की प्राइस 35K थी। ये तकरीबन तमाम जो यहाँ पे आप देख रहे हो 25K से स्टार्ट होती है। ये वाला जो आप ब्राइडल देख रहे हो ड्रेस, इसकी प्राइस 120 की रेंज में थी एंड 1 लाख से तो अबव ही थे भाई, बहुत महंगाई हो गई है। तो ये वाला बहुत खूबसूरत था, सभी बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स थे इनके पास। खैर, यहाँ से मैंने की थी अपनी शॉपिंग कम्प्लीट, मैंने अपना ड्रेस बनने के लिए दे दिया था और वो मुझे मिलना था मंथ के एंड में, तो अभी हमने सोचा मज़ीद एक्सप्लोर कर। भाई, लाहौर को तो मैंने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, ज़बरदस्त से बाज़ार घूम लिया, लेकिन हम आशियाना सेंटर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फैब्रिक की वैरायटी अवेलेबल है, क्या प्राइस रेंज है, अगर कोई आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहते हैं तो कौन कौन से न्यू फैब्रिक आए हुए हैं। ये जितनी भी आप यहाँ पे वैरायटी देख रहे हो इनकी प्राइसेस 12,000 13,000 की रेंज से स्टार्ट थी। इन्हें US ब्राइडल्स के नेम से शॉप है, कार्ड डिटेल में शेयर कर दूंगी, वो देख लो। हर किसी का भाई अब तो यूट्यूब चैनल है, आप जाके देख सकते हो, मज़ीद वैरायटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। राबी, एक दिन में थोड़ी बहुत शॉप्स को विज़िट किया। अभी जो आप देख रहे हो ये आशियाना सेंटर के नाम से मॉल है, ये वहाँ की वैरायटी है। बाबा, मेरे मुंह पे राबी सेंटर आ रहा है। तो मैं बेसिकली उस दिन आशियाना सेंटर को विज़िट किया, आरबी सेंटर जो 2 जो नया बना मैंने उसको विज़िट किया था। एंड यहाँ पे जितनी थोड़ी बहुत मैंने वैरायटी देखी, जितनी थोड़ी बहुत शॉप्स देखी, वो सारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर लोकेशन मेंशन है, जब मैंने आशियाना सेंटर की जो जो शॉप्स देख रही हूँ तो ऊपर मैंने मेंशन कर दिया कि आशियाना सेंटर के, जब आरबी सेंटर 2 स्टार्ट होगा तो ऊपर आपको लोकेशन शेयर हो जाएगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी हम आरबी सेंटर 2 में हैं। तो अभी ये वाली जो आप फ्रॉक देख रहे हो बहुत सिंपल एंड एलिगेंट लग रही थी, प्राइस 7K थी एंड यहाँ पर बहुत सारे कलर्स हैं। पीछे वाला, हाँ जी,
इसकी प्राइस क्या? 13,500। आप ऑनलाइन करते हैं? ये भी 13 तक है। ये 14,000। इसके साथ दुपट्टा है। ये दिखा दें वाले। इसकी क्या प्राइस है? ये 9,500। 9,500। अच्छा, और ये किस तरह मिलेगा ये वाला फैब्रिक? हाँ जी, अच्छा यहाँ से मैं बेडशीट्स ख़रीदने आई थी एंड यहाँ की मुझे बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, इनका कलर ख़राब नहीं होता जितनी मैंने यूज़ वगैरह की यहाँ से। प्राइस 1800 है, वो आपको साथ पिलो के साथ वो स्टिच हुई भी मिल जाती है, रेडी हुई भी। एंड अगर आपने फ्रिल वाली करनी उसकी प्राइस उन्होंने 2400 बताई थी। ये चिनाब फैब्रिक वाली बेडशीट्स हैं एंड अच्छे इनके पास प्रिंट्स थे, थोड़ी बहुत मैंने वैरायटी आपके साथ शेयर की है, इनकी प्राइस भी ठीक है एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत जो वैरायटी अच्छी वैरायटी है मैं सेटिस्फाइड होती हूँ जितनी मैंने बार यूज़ की, इतने कलर्स ख़राब नहीं होते। तो मैंने दो बेडशीट्स ख़रीदी थी, एक ये वाली ख़रीदी एंड एक ब्लू कलर की ख़रीदी थी, तो अच्छा रहता है यहाँ पे फैब्रिक वगैरह जो भी मैं ख़रीदती हूँ। कलर इसमें मिल जाएंगे, बिंदिया आई है, इसके साथ बिंदिया आई है, सेम ही है। सेम थ्री पीस में जो आते हैं वो सेम डिजाइन में बने होते हैं। इसमें अगर गोल्ड वैरायटी चाहिए तो बहुत बड़ी है डब्बा। नई चीज़ है और आपको किसी जगह पर दिखाई नहीं देगी। बहुत प्यारे कलर आए हैं, शॉपिंग कलर बहुत कौन सा शॉप पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। कलर मिल जाएंगे, कलर दिखाई से पिंक है, तेज वाला, ये तो लाइट है, शॉपिंग तो हो जाएगा। वाली की क्या प्राइस है? 1 कैरेट वाला 3,000। ये दोनों दिखाओ, ऊपर जो सामने है वो ही दिखेगा, बटन तो इतनी वो आप ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन काम ही करते हैं, अकेला होता है। अच्छा, ये बहुत फेमस शॉप थी सरदार जी के नाम से, यहाँ पे मैं साड़ी की वैरायटी देखने आई थी। प्राइसेस इसकी 13 की थी, एक और मैंने देखी उसकी भी इसी रेंज में थी, खैर मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी बहुत ही कुछ। खैर अब हर बंदे की अपनी पसंद होती है, मुझे थोड़ी सी जो है ना वो पुराने पुराने स्टाइल की साड़ियाँ नज़र आई, एक ये वाली थी थोड़ी सी बेहतर थी, पर ये इसका कोई फैब्रिक इतना ख़ास नहीं था प्राइस के लिहाज से। तो मैं शॉप के एड्रेस वगैरह मैंशन कर दूँगी क्योंकि हर एक बंदे की अपनी पसंद होती है, आप ख़ुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत पसंद आता है। तो मैंने 2-3 ही देखी थी वैरायटी, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने मज़ीद यहाँ पर कुछ खुलवा के नहीं देखा। तो ये वाली शॉप का एड्रेस है, आप जाके चेक कर सकते हो, सरदार राम सिंह के नाम से बहुत फेमस शॉप है यहाँ पे। ये फिक्स डेट है, मुझे अच्छा लगा ले ले।
ये बॉडी है ये वाली नहीं, ये पल्लू है जी, जो पल्लू नहीं आता वो बॉडी है इसकी बॉडी है। और ये फैब्रिक सिल्क है प्योर शफून तो नहीं ना, प्योर इंडियन ये 5.5 के और ये भी 5.5 के। फिक्स प्राइस तो नहीं है ना, ये अच्छा ही है। इसकी रेंज क्या है वाली? अच्छा, जब भी आपने यहाँ पे शॉपिंग करने जानी है, चाहे वो राबी सेंटर हो, RB2 हो, सिटी सेंटर या शियाना हो, आपने सारी शॉप्स को विज़िट करना है, मैक्सिमम शॉप्स को, क्योंकि एक वैरायटी बहुत सारी शॉप्स से अवेलेबल है। जैसे आपने शुरू में चिकनकारी की शर्ट्स देखी, उनकी प्राइसेस 2000 थी एंड मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा प्राइस लगी। एंड आगे चलकर जहाँ से मैंने चिकनकारी की शर्ट ख़रीदी, वो बहुत थोड़ी सी एंड पे शॉप थी, 1200 में चिकनकारी की शर्ट मुझे मिली, तो वो बहुत अफोर्डेबल रही। तो शुरू में आपको, या जो आप बिल्कुल स्टार्ट में शॉप्स विज़िट करोगे, आपको थोड़ी बहुत प्राइसेस हाई मिलेंगी, तो आपने घूमना फिरना अच्छी तरह एंड फिर जाके चीज़ों को फाइनल आउट करना है। ये 8000 के पर गज है, ये शर्ट दुपट्टा, ये ब्राइडल शर्ट है। मैक्सी कितने तक की पड़ेगी? मैक्सी का 4 गज आप पे लगेगा, एक दुपट्टा और डेढ़ सूट लगेगा, ये आपका 30000 तक के बनेगा। नहीं ये रहने दे, ये देखिए इस पे काम है, शर्ट्स पे इनकी क्या प्राइस बताइए? ये सिर्फ शर्ट्स हैं आपके पास या दुपट्टे? क्या? इनकी क्या प्राइस है? वैरायटी तो बहुत ज़्यादा है, प्रिंट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी। जैसे ये वाला अरेबिक लॉन फैब्रिक है, 1200 में आपको शर्ट मिल जाएगी, ये सारे आप प्रिंट देख लो। एंड गाइस, ये सिर्फ एक शॉप है, बहुत मज़े के प्रिंट्स होते हैं यहाँ पे। एंड जो आप सिंपल लॉन देखोगे वो 1000 की शर्ट थी, एंड चिकनकारी वाली की प्राइस 2000 थी। ये स्टार्ट वाली कुछ एक दो शॉप्स हैं, तो अच्छी तरह घूमो फिरो फिर जाके चीज़ों को फाइनल आउट करो। आपको लॉन भी इससे भी ज़्यादा सस्ती मिल जाएगी, लॉन की क्वालिटी ठीक है, 4 out of 5 आप कह लो, क्योंकि कलर्स थोड़े से फेड हो जाते हैं। मे बी इनका कपड़ा ठीक हो, खैर मैंने वाला से कुछ नहीं ख़रीदा, आगे चल के चिकनकारी की शर्ट ख़रीदी थी। तो ये सारी वैरायटी आप देखो, बहुत खूबसूरत खूबसूरत और प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं यहाँ पे। एंड चिकनकारी जितनी भी न्यू ट्रेंड में जा रही है, जैसे आपको मैं आप यहाँ पे 2 से 3 प्रिंट्स दिखा देती हूँ, फैब्रिक की डिटेल दिखा देती हूँ, अच्छे थे एंड प्राइसेस 2000 है यहाँ पे। अभी तो 1500 की थी।
इन गाइस ये वाली शॉप है जहाँ से मुझे 1200 की चिकनकारी की शर्ट मिली है। क्या वैरायटी चेक करो, नई नई चीज़ें थी यहाँ पे, हम प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी। ये वाला देखिए, ये थोड़ा पुराना, ये बहुत फेड अवे लग रहा है। मैं चिकन खा रही हूँ। ये कपड़ा के ये वाला मेरे पता लोन लोन ये भी लोन है। अच्छा लेकिन वो ऊपर नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं। नहीं पूरा सूट करना है। किस तरह पूरा? ये पूरा ही दो शर्टें हैं। सलवार कमीज आजकल सेम चल रही है ना। ये देखना ये कितना, ये ज्यादा है? ये दो का, दो का, दो है ये कौन सा? दो शर्ट हो गया ये। अच्छा इनकी क्या प्राइस है भाई? ये दो शर्ट है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। एक वो दो है वो से निकल गया। ये क्या बात है? मैंने कहा पीस से बना रहा हूं। चलो सोचो पीस ले। मरी ये वाला देख, ये वाला ले, ये अपन ना। ये वाली लास्ट शर्ट रह गई थी 1200 की मिली है ना, इसका कपड़ा भी मुझे ज़्यादा मिल गया एंड प्राइस भी अच्छी थी। तो ये आप इसकी डिटेल वगैरह देख लो, लाइट कलर था क्योंकि कैमरे में इतनी डिटेल समझ नहीं आती, तो ये वाली मैंने खरीदी थी। नई सूट की क्या प्राइस है? सो गाइज आज मैं गई थी आशियाना सेंटर एंड आरबी सेंटर 2 जो कि न्यू बना है, तो इतने कम टाइम में मैं इन्हीं दोनों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकी क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा थी और मैं सारी शॉप्स को तो कवर नहीं कर सकी लेकिन मैक्सिमम कवर किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे क्या क्या न्यू वैरायटी है, किस तरह का फैब्रिक मिल रहा है, प्राइस रेंज क्या है, क्या आजकल चीज़ें ट्रेंड में आई हुई और क्या क्या नया काम आया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अगर आपका कोई शादी का सीज़न आगे आ रहा है, किसी फंक्शन वगैरह के लिए आप देखना चाहते हो, या आम कोई लॉन वगैरह की वैरायटी, चिकनकारी वगैरह की वैरायटी देखना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि गर्मी बहुत सख्त है तो आप घर बैठे बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, आपको घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट में मैं सोच रही हूँ जो बाकी मॉल्स वगैरह रह गए जैसे सिटी सेंटर है या राबी सेंटर है उसको भी विजिट करूँ क्योंकि भाई अभी शादी की तैयारी रहती है लेकिन मैंने मैक्सिमम यहीं से तैयारी कंप्लीट कर ली, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या क्या और वैरायटियां हैं सिटी सेंटर और आरबी सेंटर 2 में या राबी सेंटर में, वो भी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। यार आज का व्लॉग इतना ही था, आपने आई होप बहुत सारा एंजॉय किया होगा, यहाँ की वैरायटी वगैरह प्राइस वगैरह सारा कुछ मैंने आपको बताया। अगर स्टिल अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स प्यारे प्यारे कर देना एंड ऑल्सो शॉप्स डिटेल सारी मैंने आपके साथ शेयर की है, सारी तकरीबन ऑनलाइन करती हूँ, सबके पेजेस वगैरह शेयर है, यूट्यूब पे है मोस्टली, तो आप वहाँ से भी जाके उनको मजीद एक्सप्लोर कर सकते हो अगर कुछ वैरायटी मैंने वीडियो में नहीं भी कवर करी। तो चलो गाइस अब मैं चलती हूँ, आप जो थोड़ी बहुत वीडियो रह गया आप उसको एंजॉय करो, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और दुआ में याद रखना है एंड ऐसे ही मोटिवेट करते रहना, ऐसे ही सपोर्ट करना है।